हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1। इसमें एक एक्सरसाइज गिवन है फोर क्लास 9। चैप्टर नेम इज प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी को फाइंड करनी है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। लेट्स स्टार्ट। रेफर टू एग्जाम्पल 5। इस क्वेश्चन में है ना पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं दी गई है, ये चैप्टर 14 से का एग्जाम्पल से वो क्वेश्चन लिया गया है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे अपने तरीके से उस क्वेश्चन को लिख रखा है और उसमें एक बार ग्राफ बनी हुई है, तो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मैंने वहाँ तक का बार ग्राफ ड्रॉ किया है। लेट्स चैप्टर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वॉज बॉर्न इन अगस्त। ये क्लास 9 की बच्चों का उस क्लास 9 में जो एग्जांपल है उसमें 40 बच्चे दिया गया है कि 40 बच्चे क्लास 9 में हैं और उन्हें उनका बर्थडे ऑब्जर्व किया गया। तो जिसका जिसका जनवरी में हुआ है, किसका फरवरी में, किसका मार्च में, ये सब इस बार ग्राफ के द्वारा उसमें बताई गई है, दिसंबर तक की बताई गई है। बट हमें हमारे क्वेश्चन में क्या है कि क्लास बॉर्न इन अगस्त, अगस्त का ही सिर्फ हमें फाइंड करना था, दैट्स व्हाई मैंने जनवरी टू अगस्त ही किया है और भी आगे वहाँ दिसंबर तक की गिवन थी। तो यहाँ पे क्या है, हमने बार ग्राफ से ऑब्जर्व किया तो हमारा बार ग्राफ के अकॉर्डिंग जो अगस्त में बच्चे जन्म लिए वो कितने थे, 6। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए जो लिखते हैं इवेंट के जगह पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु बॉर्न इन अगस्त। और यही चीज मैं यहाँ पे इसके इक्वल टू में जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें भी लिखेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो बॉर्न इन अगस्त अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नाउ विच इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने यहाँ बारग्राफ से जब रीड किया बारग्राफ को तो 6 आए, एंड टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट उस एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में गिवेन है वो 40 अपॉन में 40 कैंसिल होंगे, ये 3 अपॉन में 20, है ना, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 coins आर टॉस्ड simultaneously 200 times with the following frequencies, frequencies of different outcome, अलग अलग आउटकम आए 200 बार किसी क्वाइन को, तीन क्वाइन को उछाली गई। आउटकम क्या क्या आया, तो 3 head आए कितने टाइम्स, 23 टाइम्स, 2 head आए 72 टाइम्स, 1 head आए 77 टाइम्स, एंड बिना हेड मतलब कि या तो उसमें सारे के सारे टेल आए होंगे 28 टाइम्स है। हमें क्या फाइंड करना है, इफ द 3 coins आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads कमिंग अप। 2 heads कितने टाइम आए, 72 टाइम्स। हम इससे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कही गई है, तो फॉर्मूला है ना, तो विच इज क्वेश्चन विच कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads कमिंग अप, है ना, 2 heads coming up equal to number of 2 heads coming up and upon me total number of जितने टाइम्स टॉस्ट कर किए कितने टाइम आए 72 अपॉन में 200 से कैंसिल करोगे 9 अपॉन में 25 इनकी प्रोबेबिलिटी।
आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलना।